बड़ी सौगात दी है आपने और अब 28 रुपए भी है तो क्या और प्रयास रहेंगे क्षेत्र के लिए आपके? देखिए ऐसा है कि ये सौगात जो है ये परिणाम है प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का द्वारा यहाँ के जनता को, और लगातार 8 वर्षों से मेरी ये मांग थी कि बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है ये, इसका ट्रेन का जो हरिद्वार अहमदाबाद ट्रेन है और अहमदाबाद हरिद्वार ट्रेन है, इसका ठहराव बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्योंकि यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन से 50 गाँवों के लोग जो है इसका उपयोग करेंगे, इससे नहीं तो दूसरी जगह से उतर करके के वो यहाँ पर आते 50 गाँव में जाते तो उनका जितना रेल भाड़ा नहीं लगता वो टैक्सी का किराया लग जाता है। तो इसीलिए मैं पूरी जनता की तरफ से, पाली लोकसभा क्षेत्र की तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से, मैं मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और भी ट्रेनों की देखिए लगातार मांगे बिल्कुल है, ये बिल्कुल आपने सही की, और भी मांगे हैं, लेकिन हमारे अश्विनी वैष्णव जी और प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं पाली लोकसभा क्षेत्र के लगभग 7 रेलवे स्टेशन जो हैं उसमें देखिए 15 करोड़ रुपए हर रेलवे स्टेशन पे, जो चाहे सोमेश्वर का हो, मारवाड़ जंक्शन हो, रानी हो, हमारे जवाई बांध हो, ये सारे रेल और पाली जो मॉडर्न स्टेशन बन रहा है इस पे जो है इन 6 स्टेशन पे लगभग 15 करोड़ हर स्टेशन पे खर्च होंगे। और पाली पे जो मॉडर्न स्टेशन बन रहा है उसमें बहुत सारा जो है एक अपने आप में एक आधुनिक स्टेशन बनेगा। और उसके अलावा जो ट्रेनें जो हैं पहले चल रही थी उनके ठहराव की जो बात कर रहे हैं उनके लिए भी हमें लिखा है, उसमें भी सकारात्मक निर्णय आएगा और शीघ्र ही जो है हमारे माननीय मंत्री जी इसमें भी निर्णय लेकर के यहाँ की जनता को सौगात देंगे। क्षेत्र में ऐसे और भी गाँव है आपके आजादी के बाद नहीं है तो क्या उनको सौगात मिलेगी? कौन सा कई क्षेत्र ऐसे आपके क्षेत्र में आजादी के बाद सड़कें नहीं है? देखिए सड़कों की जहाँ तक आप बात करते हैं, सड़कें जो हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदृष्टि, उसको आगे बढ़ाने का जो काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत में हर ग्राम पंचायत, हर राजस्व गाँव ग्राम पंचायत से जुड़ रहा है और आने वाले टाइम में अलग अलग फेजेज में जो है कोई भी राजस्व गांव ऐसा नहीं रहेगा कि जो ग्राम पंचायत से नहीं जुड़े।